व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लोग आप लोगों को किस नजरिए से देखते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को किस नजरिए से देखते हैं। क्योंकि इस दुनिया में किसी भी इंसान से अगर आप लोग मिलेंगे, कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ आप लोग उसको हफ्तों तक मिल सकते हैं, पर लेकिन अपने साथ में आप लोग 24 आवर रहेंगे। अपने आप को अगर आप लोग देखने का नजरिया चेंज कर लेंगे ना, तो आप लोग अपनी पर्सनैलिटी में ह्यूज चेंज पाएंगे। अपने ऊपर आप लोग कॉन्फिडेंस रखेंगे, अपने ऊपर आप लोग विश्वास रखेंगे, आप लोग अपने साथ में इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि इस दुनिया का सबसे बेस्ट पर्सन है। तो इस तरीके से अगर आप लोग अपने आप को मानना स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग हमेशा कंफर्टेबल फील करेंगे, अपने आप खुश रहेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप लोग किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। नहीं यकीन आता है तो इसको इंप्लीमेंट करके देखिए, आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मैं बोल क्या रहा हूं एक्चुअल में, जब आप लोग इसको फील करना स्टार्ट करेंगे। ये चीजें लग सकती हैं हाइपोथेटिकल आप लोगों जरा सी देर के लिए, जिसने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया, पर लेकिन अगर आप लोग अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप लोग इसकी ग्रेविटी समझ पाएंगे कि अगर आप लोग अपने आपको शानदार तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दें, अपने आपको रेस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दें, कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अपने आपको शाबाशी देना स्टार्ट कर दें, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना स्टार्ट कर दें, तो आप लोग इस सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोग खुद निकाल लेंगे। किसी के पास जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये रियलिटी है, इंप्लीमेंट कर देखिए। आज जो मैप बेस्ड क्वेश्चन ये है, पंजाब जाकर मैप में नहीं हारेगा, कल फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देखते हैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, खासकर आसाम वाले रीजन में और भी कई सारे एरिया में, खासकर बिहार की अगर आप लोग बात करें, काफी ज्यादा फ्लड वहां पर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से कई सारे जानवर की भी जान जा रही है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं अभी रिसेंटली डेटा था जो आसाम फ्लड में, यहाँ पर लगभग 225 जो एनिमल है काजीरंगा नेशनल पार्क में उनकी डेथ हो गई है। इसमें से कई सारे लगभग आप लोगों को यहाँ पर ये डियर देखने को मिलेंगे, राइनोज देखने को मिलेंगे, एलिफेंट, इवन यहाँ पर टाइगर भी। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि पानी भर जाता है जब डूबने लगता है, तो उसके बाद में फिर कोई सिचुएशन यहाँ पर हैंडल करने का एक तरीका ही नजर नहीं आता है। तो इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोल्यूशन इनका निकालना पड़ेगा, वरना आगे आने वाले टाइम में ये और ज्यादा डिजास्टर प्रॉब्लम होने वाली है। अब नजर डालते हैं आज के आर्टिकल्स पर, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं, इस लेक्चर की पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फेसबुक से या फिर टेलीग्राम, नीचे लिंक मिल जाएगा दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, लेक्चर आप लोगों का हो सकता है यहाँ पर आज थोड़ा और लेट आए, क्योंकि रीजन यहाँ पर ये है, आज जो है सुबह से बारिश हो रही है और इसकी वजह से इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो लेक्चर जो अपलोड करूंगा मैं वो मोबाइल से अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप लोग पता है मुझे वैसे ही काफी गुस्सा है मॉर्निंग वाले लेक्चर को लेकर, इसको कोशिश करता हूं मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा, देखिए टाइम ना थोड़ा सा मतलब समझ रहे ना आप लोग कि लेक्चर एक तो लेंदी हो जा रहा है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम एक ये भी आ जा रही है कि जैसे ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं तो फिर उसको अपलोड करने में भी और ज्यादा लगभग 15 से 20 मिनट ज्यादा लग जाती है, और सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन कवर करने के चक्कर में फिर उसको बड़ा भी बनाता हूं। यानी कि कोशिश ये करता हूं कि सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाए काफी अच्छे से, बस कंफ्यूजन कुछ ना रहे, भले ही लेक्चर थोड़ा लेट हो जाए या थोड़ा लंबा बन जाए, पर लेकिन आप लोगों का एकदम टॉपिक क्लियर होना चाहिए और एग्जाम में कुछ छूटना नहीं चाहिए। बेसिक ये पर्पज मेरे माइंड में रहता है, इसीलिए कई बार तो मतलब न्यूज ओवर कंप्लीट होने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें सर्च करने लग जाता हूं कि हाँ यार ये भी बता देता हूं, ये भी बता देता हूं, तो उसके चक्कर में कई बार लेट हो जाती है चीजें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, कोशिश करूंगा वैसे टाइम पर लाने की, इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है तो वो एक अलग बात है, रेगुलर टाइम थोड़ा इसको जल्दी करने की कोशिश करूंगा जल्दी। बात करते हैं सबसे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, काफी शानदार आर्टिकल यहां पर है, तो डिटेल में नजर डालेंगे क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। कुलभूषण जाधव जी का केस है यहां पर, ये हमारी कंट्री की एक जीत, बड़ी जीत आप लोग इसको बोल सकते हैं, और पाकिस्तान की करारी हार बोल सकते हैं। जिस तरीके से नैनो मैगजीन में हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया था कि पाकिस्तान पर 6 बिलियन का अभी फाइन लगाया गया है, तो उसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं पाकिस्तान की हर जगह हार हो रही है यहाँ पर, तो पाकिस्तान को सुधारना पड़ेगा, वरना काफी ज्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान आगे आने वाले टाइम में फेस करता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर ये कर्नाटका में जो नंगा अभी डांस चल रहा है, यहाँ पर नंगा डांस जो यहाँ पर पॉलिटिक्स खेल रही है, ये इसके बारे में बात की जा रही है। आप लोग जानते हैं क्या कंडीशन वहां पर चल रही है, नहीं है काम का, नहीं डिस्कस करेंगे। बात की जा रही है यहाँ पर जर्नलिज्म के बारे में, यानी कि प्रेस के बारे में, यानी कि आप लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो मीडिया से न्यूज़ सुनते हैं, वो कितनी इंडिपेंडेंटली काम करती है, उसके बारे में रिपोर्ट है। डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। तुर्की एक नेटो का मेंबर होते हुए भी आज के डेट में रशिया के साथ में जाकर मिल रहा है, तो इसी को एनालाइज यहाँ पर किया गया, आखिर क्या रिलेशन यहाँ पर खराब हो रहे हैं, और कुछ हिस्टोरिकल चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर बताई गई है, इसके ऊपर नजर डालेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यहाँ पर आज के डेट में बिटकॉइन को कंप्लीटली बैन करने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में, तो देखिए एक तो होता है किसी चीज को कंप्लीटली बैन कर देना, एक होता है उसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना, तो राइटर यहाँ पर बोल रहे हैं कि सिस्टमेटिक वे में इसको अरेंज करो, कंप्लीटली बैन करना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है, और ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के बारे में डेटा है यहाँ पर, नहीं डिस्कस करेंगे वही सारी बातें, कौन क्यों हारा क्या जीता। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात कर रहा है आसाम के बारे में, हल्का सा नजर यहीं पर डाल लेते हैं इसके बारे में। आसाम में आप लोगों को पता है काफी फेमस है, खासकर अगर बात करें
सॉरी आसाम में नहीं है, बात की जा रही है जो टी वाला एरिया है बेसिकली, ठीक है, दार्जिलिंग वाले एरिया की बात कर सकते हैं, वैसे आसाम वाले एरिया की बात कर सकते हैं, खासकर जहां पर टी होती है उस पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है और आसाम में भी काफी लार्ज स्केल पर टी उगाई जाती है, पर लेकिन जो टी वर्कर है उनके बारे में बात की जाती है, टी वर्कर को ढंग से फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती है। एक तो उनको अगर पब्लिक, अगर उनको जो पीडीएस की बात करें, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, उसमें भी उनको ढंग से एक तरीके से आहार नहीं मिल पाता है, उनका जो भी उनका हक होता है वो नहीं मिल पाता है, हेल्थ की फैसिलिटी उनको अच्छे से नहीं मिल पाती है। बाकी जिस एरिया में टी उगाई जाती है उस एरिया में कंप्लीटली अगर आप लोग देखें, टी के ऊपर ही सारी उस एरिया की इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है। जैसे दार्जिलिंग वाले एरिया की बात कर लीजिए, कुछ दिनों पहले दार्जिलिंग वाले एरिया को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात आई थी, ये वेस्ट बंगाल और दार्जिलिंग वाले एरिया में। वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग हमारी कंट्री में जो टी है वो पहली जीआई का टैग दार्जिलिंग टी को दिया गया था 2004 में। इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिएगा। बात ये की जा रही है यहां पर कि जो वर्कर है जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर एरिया फलता फूलता है, उस एरिया को आप लोग ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उस एरिया के बारे में आप लोग ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, और उस एरिया को आप लोग ढंग से फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी कि ये भी बात हो गई, किसानों को आप लोग ढंग से नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं और उन्हीं किसानों की बदौलत हम लोग खाना खा रहे हैं, तो उनके बारे में आप लोग को देखना पड़ेगा, उनकी हेल्थ के बारे में, बच्चों के एजुकेशन के बारे में, उनको जो भी सब्सिडीज मिलनी चाहिए उसके बारे में आप लोगों को ध्यान से काम करना पड़ेगा। जबकि अगर जो भी रेगुलेशन, जो प्रोविजन, जो एक्ट है वहां पर, वो उनको सपोर्ट करने की बात करते हैं, पर लेकिन एक्ट के एक्ट यहां पर कागज में अलग रहते हैं, पर लेकिन ग्राउंड पर जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी जरूरी है। अगर किसान ठीक नहीं रहेंगे पर्टिकुलर एरिया में तो कैसे आप लोग वहां पर खुश रह पाएंगे। तो ये आर्टिकल है जिसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं डिटेल में एक एक आर्टिकल के बारे में। अब सबसे पहला जो आर्टिकल है यहाँ पर, यह है कुलभूषण जाधव जी के बारे में। कुलभूषण जाधव जी हमारी कंट्री के एक फॉर्मर नेवल ऑफिसर हैं। इनका केस चल रहा है अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में। तो इस केस में हमारी कंट्री को काफी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि केस क्या है पूरा एक बार आप लोग डिटेल में समझ लीजिए। कुलभूषण जाधव जी को पाकिस्तान के द्वारा गिरफ्तार किया गया, इंडिया के अकॉर्डिंग ईरान से पाकिस्तान की जो आईएसआई है उनके द्वारा यहां पर इनका अपहरण किया गया, इंडिया के हिसाब से माने तो। पर लेकिन पाकिस्तान के हिसाब से माने तो पाकिस्तान ये बोलता है कि ये बलूचिस्तान वाले एरिया में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान से, और यहां पर इस टाइम पर वहां पर अनस्टेबिलिटी करने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए यहां पर पाकिस्तान के द्वारा यहां पर इनको पकड़ा गया है। ये अफगानिस्तान से बलूचिस्तान वाले रीजन में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, तो पाकिस्तान कहता है कि इनको द्वारा यहां से पकड़ा गया है, इंडिया कहता है कि ईरान से इनको पकड़ा गया है, जो कि अपने बिजनेस के पर्पज से वहां पर थे, एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं। तो यानी कि दोनों के जो तर्क हैं वो अलग अलग हैं। ये चलो इंडिया अपनी बात बोल रहा है, पाकिस्तान अपनी बात बोल रहा है, पर लेकिन जो रियलिटी में फॉलो किया जाना था यहां पर, जब इनको गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार करने के बाद में इनके ऊपर केस चलाया गया पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा। पाकिस्तान की मिलिट्री में जो भी वहां पर ऑफिसर हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है उनको प्रॉपर जो एक जुडिशियल सिस्टम है जिसके बारे में उनको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, वो वहां पर उनको नहीं है। यानी कि उनका जो वो कोर्ट है उसके ऊपर भी इंटरनेशनल लेवल पर क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये, अगर आप लोग केस चला ही रहे हैं तो यहां पर आप लोगों को वियना कन्वेंशन, जो कि यहां पर एक तरीके से काउंसलर जो रिलेशन होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगर किसी कंट्री के सिटीजन को आप लोग इस तरीके से पकड़ लेते हैं, या फिर कोई भी आप लोग अगर किसी कंट्री से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम उसको अपनी कंट्री से बाहर निकाल सकते हैं, उसको इसके ऊपर इस तरीके से आप लोग एक्टिविटी नहीं कर सकते। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए कोई हमारी कंट्री का ऑफिसर है वियना, अगर मान लीजिए वियना कन्वेंशन यहां पर ये बोला है, अगर कोई कंट्री का ऑफिसर है वहां पर कोई बदतमीजी करता है या कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, तो आप लोग उसको कंट्री से निकाल सकते हैं। आप लोग उसको जो बेसिक ऑफिसर है उसको आप लोग फॉलो कर चलना पड़ेगा इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन रखने के लिए। इंडिया के जो ऑफिसर है यहां पर, काउंसिल ऑफिसर यहां पर मिलने की बात की गई कुलभूषण जाधव से, पर लेकिन मिलने से मना कर दिया गया। यह भी काफी बड़ी बात यहां पर निकल कर आई, जो कि एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ की जो धज्जियां इनके द्वारा उड़ाई गई, तो यह यहां पर इंडिया ने अपना पक्ष रखा। तो इसी के चलते जब कंप्लीट केस यहां पर ये चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में इनको मौत की सजा सुना दी गई। अब इंडिया को ये लगने लगा कि पाकिस्तान आनन फानन में पता चला फांसी की सजा देकर इनको जल्दी से एग्जीक्यूट कर दे, तो हम लोग पहुंच गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचने के बाद में इंडिया ने अपनी पार्ट रखा और पाकिस्तान ने अपना पार्ट रखा। अब जहां पर जब सारी बातें यहां पर सुनी गई, तो अब डिसीजन आया इसका कल, यानी कि 17 जुलाई को जो डिसीजन आया यहां पर, ये एक तरीके से जो सपोर्ट किया गया है, ये हमारी कंट्री के लिए यहां पर इनको सपोर्ट काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिला। सबसे बड़ी बात तो ये बोली गई कि एकदम इमीडिएटली जो एग्जीक्यूशन है उस पर रोक लगा दी जाए। दूसरी बात यहां पर यह बोला गया कि जो काउंसलर एक्सेस है वो यहां पर मिलना चाहिए। तीसरा यह बोला कि फ्री ट्रायल यहां पर होना चाहिए, कोई भी इसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। उस टाइम पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली, आप लोगों को याद होगा अगर आप लोग लंबे समय
से मेरे साथ में कनेक्ट हैं कि यहां पर उस टाइम पर जब बोला गया था कि कुलभूषण जाधव जी से वाइफ और उनकी मदर वहां पर मिलने गई थी तो उनको भी बहुत इल तरीके से ट्रीट किया गया था, यानी कि उनके साथ भी ढंग से ट्रीटमेंट उनके द्वारा नहीं किया गया था, पाकिस्तान के द्वारा उनको भी काफी गलत तरीके से ट्रीट किया गया था। तो वो सारी प्रॉब्लम यहां पर है और इसी के साथ में बोला गया कि रिव्यू करें जो भी इनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया पाकिस्तान के ऊपर कि ताकि ढंग से यहां पर प्रॉपर वे में फिर से इसको स्टार्ट किया जा सके। तो एक मेजर डिप्लोमेटिक जीत आप लोग इंडिया की इसको बोल सकते हैं और एक तरीके से विक्ट्री आप लोग बोल सकते हैं जो कि यहां पर हमारी कंट्री की देखने को मिली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। अब क्या क्या इनके द्वारा यहां पर हरकतें की गई है एक बार उसके ऊपर नजर डालेंगे, पर पहले आप लोग यहां पर समझ लीजिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये आईसीजे आप लोग जिसको बोलते हैं, यहां पर टोटल मिलाकर 15 जज हैं। हर एक जज का जो टाइम पीरियड रहता है वो 9 साल का रहता है और एक यहां पर इंटरेस्टिंग बात ये यहां पर ये है कि दलबीर भंडारी हमारी कंट्री के जज भी यहां पर इन 15 जज में से एक पार्ट हैं, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव बात आप लोग बोल सकते हैं। 1945 में इसका गठन किया गया था, हेग में इसका हेडक्वार्टर है और यूएन के चार्टर के हिसाब से यहां पर ये काम करता है, यानी कि यूएन के कनेक्टेड यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन है। पाकिस्तान के द्वारा जो उल्लंघन किया गया यहां पर ये 1961 का वियना कन्वेंशन है, वियना यहां पर ये कहां पर है ऑस्ट्रिया के अंदर है जो कैपिटल भी है ऑस्ट्रिया की। तो यहां पर 1961 में डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे रखने हैं किसी कंट्री के बीच में उसके बारे में बात की गई। अगर आप लोगों को याद हो कुछ दिनों पहले अभी मालदीव के बारे में काफी इंपॉर्टेंट न्यूज ये हुआ करती थी कि मालदीव के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो अपनी जान बचाने के लिए इंडिया की एम्बेसी में आकर रहने लगे, पर लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई उनको इंडिया की एम्बेसी से बाहर निकाले। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कहने के लिए तो यहां पर ये मालदीव के अंदर में है हमारी एम्बेसी, पर लेकिन कंप्लीटली ये हमारा पार्ट होता है। ये एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि अगर आप लोग एम्बेसी के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में उस कंट्री के ऊपर आप लोग अटैक कर रहे हैं, तो फिर आप लोग ये एक तरीके से उस कंट्री के साथ में आप लोग रिलेशन डायरेक्ट बिगड़ रहे हैं। तो यहां पर बेसिक पर्पज ये है कि किस तरीके से आप लोग उस कंट्री के साथ में रिलेशन अच्छे रख सकते हैं जिसका आप लोग की कंट्री में एम्बेसी है या काउंसिलर वहां पर लोग आप लोग रहते हैं दूसरी कंट्री के, तो उसके साथ में आप लोगों को कैसे रहना है। तो ये बेसिक यहां पर चीजें देखने को मिलती है। तो वियना कन्वेंशन यहां पर ये बोलता है कि आप लोगों को अगर कोई लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको एक्सपेल कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा कभी कई बार यहां पर जो रशिया के जो ऑफिशियल हैं उनको भगा दिया गया यहां पर रशिया से वो से यूएसए से और यूएसए ने रशिया के भगा रशिया ने यूएसए के और यूएसए ने रशिया के भगा दिए। इसी तरीके से कुछ दिनों पहले भी सऊदी अरेबिया और कनाडा को लेकर हो गया था जब कनाडा ने उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया ह्यूमन राइट को लेकर, यानी कि जमाल कसोगी की जान गई सऊदी अरेबिया के अंदर जो कि एक जर्नलिस्ट थे, तो उस टाइम पर कनाडा ने बोला कि जर्नलिस्ट की हालत सही नहीं है और इसी के साथ में यहां पर जो प्रॉब्लम है अगर कोई आवाज उठाता है तो यहां पर जो सऊदी अरेबिया का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है। तो ये जो इस तरीके की हरकतें होती हैं यहां पर मैक्सिमम आप लोग बोल सकते हैं कि 24 आवर के अंदर अंदर आप लोग कंट्री छोड़ दीजिए ऐसा बोल सकते हैं, यानी कि उनको गिरफ्तार करके जेल में डालकर उनको टॉर्चर किया जाए या फिर उनको किसी भी तरीके से वहां पर प्रताड़ित किया जाए, तो वो सारी चीजें नहीं करनी है। ये सारी बातें बोलते हैं यहां पर वियना कन्वेंशन जो कि एक इंटरनेशनल लेवल का डॉक्यूमेंट है। तो ये सारे उल्लंघन किए गए पाकिस्तान के द्वारा जो कि यहां पर अभी चीजें देखने को मिली, ठीक है। और पाकिस्तान को आप लोग बताइए अभी यहां पर जो हम लोगों ने नैनो मैगजीन में डिस्कस किया था वो 6 बिलियन का यहां पर अभी उन पर एक फाइन आप लोग या पेनल्टी आप लोग बोल सकते हैं, वो भी उनकी गवर्नमेंट की हरकत है। वहां पर जिस तरीके से स्टार्टिंग में चीजें चली थी वो फॉलो करके उनके द्वारा नहीं चली गई, तो वो भी समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे में सिस्टम को लेकर नहीं चलते हैं, एक अलग ही तरीके का फंडा यहां पर देखने को मिलता है। अब देखने वाली बात यहां पर यह कितना अच्छे से हम लोग इसको सिचुएशन को आगे हैंडल कर पाते हैं, किस तरीके से हम लोग इनको यहां से आजाद करवा पाते हैं या कैसे आगे कंडीशन बनती है, तो ये देखने वाली बात होगी। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, अभी काफी कुछ आगे आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन भी है, यहां पर बात की जा रही है कि इंडिया को अभी यूएनएससी की यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट मिलने वाली है 2021 और 22 के लिए। अब ये जो सीट मिलने वाली है इसमें बोला जा रहा है कि इंडिया को एज ए सहमति कंसेंसस बिल्डर काम करना चाहिए, ना कि यहां पर एक आउटसाइडर काम करना चाहिए। यहां पर इंडिया को जो भी प्रॉब्लम है इंटरनेशनल लेवल पर वहां पर अपना रोल प्ले इंडिया काफी शानदार तरीके से कर सकता है। टोटल मिलाकर बात करें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में तो यहां पर इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1945 में। ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है जो कि सिक्योरिटी के बारे में फोकस करता है और टोटल मिलाकर 15 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 15 मेंबर की काफी इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये है कि 15 मेंबर में से 5 तो परमानेंट मेंबर हैं। परमानेंट आप लोग जानते हैं कौन है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं ये यहां पर चुने जाते हैं हर 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए यहां पर इनको चुना जाता है। और ये प्रॉपर किस तरीके से चुने जाते हैं आप लोग यहां पर देख लीजिए कहां कहां से इनको चुना जाता है, एक बार यहां पर आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हालांकि देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है यहां पर, ये आप लोग समझ सकते हैं। एक मिनट पेन काम करना, एक मिनट
पता नहीं कई बार ना पेन रुक जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, तो ये बात की जा रही है जो आप लोगों से पूछा गया था, परमानेंट चाइना, फ्रांस, रसिया और यूके और यूएसए, ये परमानेंट फाइव मेंबर है जिनके पास में वीटो पावर है। वीटो पावर ये होती है कि अगर इनमें से एक भी मेंबर ये बोल देगा कि ये काम नहीं होना है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो वो काम नहीं होना है। मसूद अजहर को अब तक ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया था, टेररिस्ट की लिस्ट में, चाइना की वजह से। चारों मेंबर यहां पर सपोर्ट कर रहे थे पर लेकिन ये नहीं सपोर्ट कर रहा था, तो इसलिए ये चीजें रुक जा रही थी। अब 10 मेंबर की अगर बात करें, ये कौन कौन होता है इनके बारे में आप लोग नजर डाल लीजिए। 3 मेंबर आप लोग अफ्रीका से देखने को मिलेंगे, 2 मेंबर एशिया से, लैटिन अमेरिका से 2 मेंबर, वेस्टर्न यूरोप और अदर जो यहां पर 2 मेंबर, और ईस्टर्न यूरोप से 1 मेंबर देखने को मिलेगा। तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस तरीके से यहां पर आप लोगों को पूरे मेंबर देखने को मिलते हैं, और जो ये मेंबर हैं यहां पर ये सारे डिसीजन आगे चलकर लेते हैं। तो इस तरीके से पूरा सिक्योरिटी काउंसिल आप लोगों के सामने जैसे काम करता है। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, आइए आप समझ लेते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। सबसे पहली जो बात है यहां पर यही है कि हाँ, इंडिया को जो यहां पर है सहमति बनाने का काम करना चाहिए, एक प्राइवेट आदमी की तरीके से, यानी कि बाहर या प्राय आदमी की तरीके से काम नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, 2021-22 के लिए इंडिया यहां पर मेंबर बनने जा रहा है, जबकि ये इंडिया की टर्म थी भी नहीं। मतलब क्या है, मतलब ये अफगानिस्तान को यहां पर टर्म मिलने वाली थी, पर अफगानिस्तान के साथ में हमारे रिलेशन काफी अच्छे हैं, तो इंडिया ने यह बोला कि 2021 और 22 में हमारी कंट्री के यहां पर 75वीं साल हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो इसलिए ये टर्म हमको दे दो, और अफगानिस्तान को यह बोला गया आप हमारी टर्म पर इलेक्शन यहां पर लड़ लेना। तो अफगानिस्तान पीछे हट गया और हम लोग यहां पर इलेक्शन लड़े और अभी जीत कर आ गए। आगे भी यहां पर अब नेक्स्ट फेज बचा हुआ है जिसमें हम लोगों को जीतना है, तब हम लोग यहां पर 2021-22 के लिए यहां पर पहुंचेंगे। फायदा क्या होगा, अपनी आजादी के 75वीं एनिवर्सरी हम लोग यहां पर सेलिब्रेट कर पाएंगे ऑल लेवल वर्ल्ड पर, यानी कि यूएन इसको रिकॉग्नाइज करेगा, तो ये कहीं ना कहीं हमारी और साख बढ़ेगी। तो ये बात यहां पर देखने को मिली, तो इसलिए हम लोगों ने पाकिस्तान उसको अफगानिस्तान को बोला कि यहां पर हट जाइए, तो अफगानिस्तान हट गया। और अच्छी बात यहां पर यह, पाकिस्तान और चाइना के द्वारा भी हमको यहां पर सपोर्ट किया गया, जो कि एक पॉजिटिव बात यहां पर बोल सकते हैं। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया को यहां पर सबके प्रोस्पेरिटी के लिए, अपने लोगों की प्रोस्पेरिटी के लिए बात करनी चाहिए, रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी और ग्रोथ के बारे में बात करनी चाहिए, रूल बेस एक ऑर्डर होना चाहिए, ये नहीं कि जैसे साउथ चाइना सी में चाइना अपना दबदबा दिखा रहा है, नहीं, जिस एरिया में वहां पर सारी कंट्री है सबको वहां पर प्रॉपर हक मिलना चाहिए, तो इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहां पर जो अभी हमारी जो यहां पर एक तरीके से जो हम जो जीत कर रहे हैं, यहां पर हम लोग जो पहुंचने वाले हैं, यहां पर प्रॉपर वे में हम लोग को फॉलो कर चलना पड़ेगा, यानी कि डेवलपिंग और जो डेवलप्ड कंट्री है उनको हम लोग कैसे आपस में लेकर चल सकते हैं साथ में, और कैसे अपना फोकस वहां पर रख सकते हैं, अपना अपना जो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कैसे बात कर सकते हैं। वो व्यू ऐसा होना चाहिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड का लेवल का होना चाहिए, यानी कि हम लोगों को सबके बीच में एक सहमति बनाकर चलनी है, यह बात यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लोग यहां पर देखें आज की डेट में जो इंडिया है, इंडिया के पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि हां अपनी बात को आगे रख सकता है, यानी कि एक रेस्पॉन्सिबल नेशन की तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं आप लोग यहां पर हम लोग कई बार यहां पर चुन चुके हैं, 5 आप लोग देखते हैं यहां पर हमारे टाइम है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुके हैं। अब आने वाले टाइम में किस तरीके से हम लोग इसको लेकर चलते हैं, तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि टैकल करनी है, इंसर्जेंसी को लेकर काफी बड़ी प्रॉब्लम है, टेररिज्म को लेकर बड़ी प्रॉब्लम है, नारकोटिक या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर काफी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि इंसानों को खरीदा और बेचा जाता है। इसी के साथ में जो पावर है उनके बीच में भी काफी टसल है, ट्रेड वॉर देखते हैं यूएसए और चाइना के बीच में, रसिया और यूएसए के बीच में अलग से प्रॉब्लम निकल कर आती है। तो कैसे हम लोग यहां पर वेस्ट और ईस्ट एशिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है निकल कर आ रही है उनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जो व्यवस्था है वो अव्यवस्थित ढंग से यहां पर कन्वर्ट हो चुकी है, कोई भी मिलकर ढंग से काम करने के लिए एक दूसरे के साथ में तैयार नहीं है, और रही सही कसर यहां पर पूरा कर देता है इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट जो है यहां पर ये एक ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बेसिक फंडा ये रहता है कि कैसे अपने एक पर्टिकुलर एरिया बनाकर वहां पर दबदबा रखना है, और किस तरीके से अपना जो पर्टिकुलर इस्लाम को एक आड़ बनाकर लोगों को अपने फेवर में लेकर आना है। हो सकता है कि यहां पर सीरिया और इराक के अंदर से आप लोगों ने इसको खत्म कर दिया हो, पर लेकिन दूसरी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर यह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी रिसेंटली इनके द्वारा बोला गया कि इंडिया में भी इसकी एक ब्रांच हो चुकी है J&K वाले एरिया में, तो यह भी अभी इनके द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया। अब देखने वाली यहां पर बात यह है कि कैसे जो सिक्योरिटी जो थ्रेट है ऑल ओवर वर्ल्ड उसको हम लोग टैकल कर पाते हैं। अफगानिस्तान में आप लोग जानते हैं, वैसे हम लोग बात करते हैं ग्लोबल लीडर बनने का, पर लेकिन अफगानिस्तान में जो सॉल्यूशन निकालने की बात की जा रही है, यूएसए है, रसिया है, चाइना है और पाकिस्तान तक है उसमें, पर लेकिन हमारी कंट्री उसमें नहीं है, तो क्यों आखिर ऐसा हम लोग कर पा रहे हैं। हम लोग यहां पर देखना पड़ेगा किस तरीके से हम लोग अपना, अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो कम से कम हम लोग को उसका पार्ट बनना पड़ेगा, तो किस तरीके से वहां पर जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि वहां पर कई सारी प्रॉब्लम है, हक्कानी नेटवर्क है, तालिबान है, अलकायदा है, और तालिबान सबसे ताकतवर है जो कि लगभग 50% एरिया पे अप्रोक्सीमेटली अफगानिस्तान का जो गांव वाला एरिया है वो तालिबान के कंट्रोल में है। तो अगर कुछ भी करवाना चाहता है तालिबान के सामने, यूएसए तक घुटने आज के डेट में टेक चुका है और बात करने के लिए तैयार है। और कई सारी प्रॉब्लम है यहां पर, जैसे स्ट्रेटजिक मिसट्रस्ट है आज के डेट में, इंडिया और चाइना के बीच में मिसट्रस्ट है,
इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मिस्ट्रेस है। चाइना सॉरी नेपाल और इंडिया के बीच में भी कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है। कुछ दिनों पहले इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और मालदीव, ये सारी कंट्री भी अलग डिस्ट्रेस में थे। इसी के साथ में एक नई प्रॉब्लम निकल कर आ रही है इंडिया और ईरान के बीच में, क्योंकि ईरान भी यहां पर आज के डेट में कहीं ना कहीं ये चाइना के और रशिया के खेमे में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम लोग यूएसए के प्रेशर में आके ईरान के साथ में अपने रिलेशन को सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। अनरिजोल्व कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, चाइना और इंडिया के बीच में कई सारे बॉर्डर डिस्प्यूट हैं। हालांकि चाइना तो एक ऐसी कंट्री है, हर एक कंट्री के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके। हमारी कंट्री के साथ में अगर आप लोग देखेंगे, पहले बांग्लादेश के साथ में थे, वो रिजोल्व कर लिए गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में आपस में, हमारे पाकिस्तान के साथ में बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट आज की डेट में देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ में एब्सेंस है यहाँ पर पैन एशिया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की, यानी कि एशिया के ऊपर फोकस देकर चलने वाली एक सिक्योरिटी जो आर्किटेक्चर होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलती है। इसी के साथ में जो एनर्जी और स्ट्रेटेजिक जो मिनरल को लेकर ये कंपटीशन रहता है कि हाँ यहां से ये मिनरल निकाल ले। अफ्रीका के अंदर आज के में चाइना सारी कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड से आकर क्या करते हैं, वहां पर खुदाई करते हैं और वहां से मिनरल्स वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन उसके डेवलपमेंट के बारे में कोई बात नहीं करता है। कॉम्पिटिशन ये रहता है कि कितना ज्यादा आप लोग निकालकर यहां से ले जा सकते हैं। तो ये सारी अपनी जगह प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। और इसके ऊपर भी एक सबसे बड़ा जो संकट बन रहा है वो है एक हाइपर नेशनलिज्म, अपनी कंट्री के बारे में सोचना। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अमेरिका इज फर्स्ट, यानी कि सबसे ऊपर अमेरिका, उसके बाद में सब जाए तलेंडी में, ये बात बोली जाती है। तो जो पॉलिटिकल पंडित हैं यहां पर आज के में वो सारी बातें यहां पर ये बोल रहे हैं कि किस तरीके से कंडीशन यहां पर निकल सकती है, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पर जो सिचुएशन थी इनडायरेक्ट वे में वही एक खेमा बनता जा रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है रसिया, चाइना, तुर्की भी उनके साथ में मिल रहा है आज के डेट में, ईरान जाकर मिल जा रहे हैं यहां पर, नॉर्थ कोरिया उनके साथ में है। ये एक ऐसा खेमा बनता हुआ जा रहा है जो कि खासकर चिड़ा हुआ है वेस्टर्न वर्ल्ड से, और ये फिर से कोल्ड वार जैसी सिचुएशन अगर बन जाएगी तो काफी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कोल्ड वार के बाद में एक नया फिनोमिनन ये देखने को मिला था कि हर एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात कर रही है, यानी कि एक तरीके से काफी अपमानजनक एक्टिविटी यहां पर देखने को मिल रही है। दूसरी कंट्री को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, बस अपनी कंट्री के बारे में सोच रहे हैं। जो इंटरनेशनल एक ऑर्डर होना चाहिए, जो इंटरनेशनल एक एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, वो सब भूल जा रहे हैं। फियर जनरेट हो जा रहा है लोगों में, क्योंकि अगर बाहर की कंट्री से कोई लोग वहां पर आ रहे हैं तो नेशनलिज्म के नाम पर उनको मारा जा रहा है। पॉपुलिज्म अप्रोच लाई जा रही है, यानी कि कंट्री के बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल को साइड में रख दिया जा रहा है। यहां पर इसी के साथ में पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है, खेमे में बढ़ जा रही है बहुत सारी कंट्री। अल्ट्रा नेशनलिज्म यहां पर देखने को मिल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, यानी कि एक अलग ही तरीके पर जाकर यहां पर नेशनलिज्म बता रहे हैं। हमारी कंट्री में भी आप लोग ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम आज के डेट में देख सकते हैं, यानी कि नेशनलिज्म के नाम पर चिल्लाकर कई सारी बातें बोली जाती हैं। इवन कोई अगर कुछ किसी चीज को क्रिटिसाइज भी करता है तो उसको बोलते हैं पाकिस्तान चला जाओ या ये एक्टिविटी कर लो, तो वो सही नहीं है। हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको अपना क्वेश्चन पूछने का हक है, सबको अपना जो ग्रेविंस है उसके माइंड में, जो भी उसके माइंड में जो क्वेश्चन मार्क है उसको सबके सामने रखने का हक है, पर लेकिन हम लोग इसको टैकल नहीं कर पाते हैं। पीस, सिक्योरिटी और प्रोस्पेरिटी के ऊपर फोकस देकर हम लोग को चलना चाहिए, और इंडिया इसमें काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सोसाइटी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चले तो देखिए एक तरीके का गोल ये होना चाहिए कैसे सबको साथ लेकर चलना है। पीस वाटर हाउस कूपर, इसके हिसाब से माने तो 2050 तक यहां पर यह माना जा रहा है चाइना वर्ल्ड में सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी और इंडिया दूसरे नंबर पर इकोनॉमी होगी, यानी कि यूएसए को रिप्लेस कर चुके होंगे हम लोग यहां पर। यह एक तरीका प्रेडिक्शन है, पर लेकिन अगर यह ढंग से सच हो पाता है तो सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ में अब कम से कम हमारी कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी यहां पर जिसमें बोला जाता है स्पाइडरमैन में कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपके पास में अगर पावर है तो आपके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आप लोगों को वो रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी और एक रेस्पॉन्सिबल बंदे को ही पावर दी जाती है, तो ये आप लोग यहां पर लेकर चलना पड़ेगा। तो इंडिया को भी यहां पर जो आज के में अनरिकग्नाइज इशू है उनके ऊपर फेस देकर चलना पड़ेगा, और ग्रेट पावर है उनके साथ में भी आप लोग एक तरीके से अपने अच्छे रिलेशन रखकर चल सकते हैं। और एम क्या रहना चाहिए, देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर कई सारी बातें आप लोग बोल सकती हैं आज की डेट में अगर देखें तो एक तरीके से सबसे बड़ा ये चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पर कैसे चीजें ढंग से रखनी है, जैसे सिक्योरिटी के ऊपर फोकस देना है, माइग्रेंट जो वर्कर एक तरीके से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ रहे हैं या फिर जो रिफ्यूजी वाले इशू हैं उनके ऊपर दे सकते हैं, किस तरीके से गरीबी को मिटाना है, क्लाइमेट चेंज वाले, ये ऐसे इशू हैं, कोई एक कंट्री यहां पर मिलकर अकेली कर ही नहीं सकती काम, सबको मिलकर काम कर चलना यहां पर चलना पड़ेगा, तभी हम लोग सिचुएशन को यहां पर हैंडल कर पाएंगे। एक और बहुत बड़ी बात है यहां पर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, हम लोग बोलते तो हैं वर्ल्ड पावर बनने की, पर लेकिन जब यूएन में कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो यहां पर परमानेंट 5 मेंबर्स है तो हम लोग पीछे ही हैं। जर्मनी और जापान जो कि हमसे काफी छोटी कंट्री हैं, उनसे भी हम लोग काफी पीछे हैं अगर यहां पर कंट्रीब्यूशन की बात आती है यूएन के अंदर। यूएन एक ऐसी बॉडी है, खुद का उसका कोई ऐसी कमाई नहीं है, तो वहां पर एक तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया जाता है अलग अलग कंट्री के द्वारा ताकि वहां पर चीजों को एस्टेब्लिश किया जा सके और उसका जो सिस्टमेटिक ढंग में एक काम चलता रहे, यानी कि आप लोग ऐसे बोल सकते हैं
कि एक तरीके का डोनेशन आप लोग ये बोल सकते हैं वहां पर उसको दिया जाता है, तो काफी कम है। हालांकि पीस कीपर में हम लोग काफी आगे हैं, वहां पर पीस सिक्योरिटी फोर्सेज में हम लोग वहां पर काफी ज्यादा भेज रहे हैं, पर लेकिन सबसे ज्यादा पावर आज के डेट में मनी की देखने को मिलती है, ज्यादा पावर अगर आप लोग देखा जाए, क्योंकि जो जो अमीर कंट्री है वो वहां पर अपने लोग नहीं भेज रहे हैं, वो अपने पैसा भेज रहे हैं वहां पर। तो इस तरीके से आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग बैलेंस बनाकर चल सकते हैं, कैसे इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। बाकी तीन बातों पर फोकस दिया गया यहां पर। सबसे पहली बात जो यहां पर बोली गई है, ये बोला गया कि एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए प्रोटेक्ट करने की, खासकर ह्यूमैनिटेरियन जो भी क्राइसिस यहां पर चल रहा है, यानी कि एक तरीके से आप लोगों को लोगों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। अनडेमोक्रेटिक जहां पर गवर्नमेंट है उनको यहां पर कम से कम फोकस करके चलना चाहिए कि डेमोक्रेसी वहां पर रहे। जो कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल सिस्टम है जो फ्रजाइल होता हुआ जा रहा है, जो कि बेकार या सस्ता या फिर आप लोग बोले कि एक तरीके से बिना किसी काम का होता जा रहा है, उसको आप लोगों को ढंग से करना पड़ेगा। रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि जो इंटरनेशनल लेवल के जो लॉ है यहां पर जो यूएन के द्वारा बनाए गए हैं वो होने चाहिए, और सस्टेनेबल प्रॉपर वे में आप लोगों को फोकस करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बोला गया यहां पर, जो यूएन की जो सैंक्शन कमेटी होती है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं पर लेकिन वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, उसको ढंग से लेकर चलना चाहिए। तो इंडिया यहां पर इसको भी सपोर्ट कर सकता है कि आप लोग इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। लगभग बोला जाए तो 260 इंडिविजुअल और लगभग 84 जो एंटिटीज हैं वे यहां पर सैंक्शन है, सैंक्शन के अंडर आती है यूएन के, पर लेकिन वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, तो उसको भी आप लोग ढंग से इंप्लीमेंट करा सकते हैं। बाकी बात की जा रही है कि किस तरीके से ग्रेट पावर के साथ मिलकर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर एक इंक्लूजन में लेकर चल सकते हैं सबको साथ में। रूल बेस्ड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि जहां पर संवैधानिक ढांचा है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और रेशनल इंटरनेशनलिज्म यानी कि ये नहीं कि यूएसए अपने चला रहा है और चाइना अपने चला रहा है, तो सही एक ऐसी बैलेंस अप्रोच यहां पर बनाने की कोशिश कर सकते हैं जो कि एक कंसेंस बिल्डर हो सकता है, यानी कि एक तरीके से हम लोग आउटसाइडर की नहीं से कंसेंस बिल्डर, यानी कि सहमति बनाकर जो झगड़ा है उसको निपटाकर एक शांति वाला वर्ल्ड, एक पीसफुल वर्ल्ड हम लोग यहां पर बना सकते हैं, और क्लाइमेट चेंज, डिसआर्ममेंट, टेररिज्म और यहां पर डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये काफी बड़े बड़े मुद्दे हैं जो कि लार्ज स्केल पर आज के में हम लोग आगे लेकर चल सकते हैं। देखिए कई सारी कंट्रीज के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है, पर हम लोग एक कलेक्टिव यहां पर अगर अप्रोच लेकर चलेंगे और यहां पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनका रिजोल्यूशन कराने की कोशिश करेंगे, तो इंडिया को एज ए ग्लोबल लीडर के तरीके से भी यहां पर देखा जाएगा। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर ये बोली गई कि फाइनली अगर आप लोग चाहते हैं अच्छा रिलेशन बनाना, तो सबसे बड़ी बात होती है, पहले ये बोलते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा तनुवेर मनु मूवी में बोलती है कि शर्मा जी पहले अपनी पेटी बांध लो, हमारी लाइफ को बाद में देख लेना। तो वही बात यहां पर बोली गई कि पहले आप लोग अपनी कंट्री के आसपास कंट्री वाले जो रिलेशन है, यानी कि अपने जो नेबर कंट्री है उनके साथ में अच्छे रिलेशन बनाओ, तभी तो आप लोग यहां पर जाकर काम कर पाओगे। आप लोग सबसे पहले साउथ एशिया या फिर अपने नेबर कंट्री के साथ में अच्छा काम करना स्टार्ट करो, तभी आप लोग इंटरनेशनल लेवल पर ढंग से एक टीम की तरीके से काम कर पाओगे, और तभी आप लोग यहां पर आप लोग इंप्लीमेंट कर पाएंगे कि हाँ हमें एज ए ग्लोबल लीडर, और तब तो आप लोग यहां पर आपकी सब सुनेंगे भी जब आप लोगों के साथ में कुछ लोग खड़े होंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट आर्टिकल हो गया, अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आंसर अच्छे से दीजिए और एक दूसरे का रिव्यू करने की भी कोशिश जरूर कीजिए। ठीक है, लिंक आप लोग नीचे प्रोवाइड करा दूंगा आंसर कहां पर देना है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं अगर आप लोग फेसबुक पर कनेक्ट नहीं है तो। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात की जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, ये जो बात की जा रही है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ये यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक इंडेक्स लेकर आती है जिसे बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना ज्यादा इंडिपेंडेंटली हम लोग काम कर पा रहे हैं, खासकर जर्नलिज्म के फील्ड में। देखिए जर्नलिज्म को एक तरीके से फोर्थ पिलर बोला जाता है डेमोक्रेसी का, जैसे आप लोग बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और जर्नलिज्म को भी एक पिलर के तरीके से बोला जाता है क्योंकि ये जनता के सामने रियलिटी रखता है कि क्या एक्चुअल में चल रहा है। इसलिए हमारे संविधान में जो आर्टिकल आप लोगों को देखने, चलिए आप लोग खुद बताइए हमारे संविधान में फंडामेंटल कौन सा आर्टिकल है यहां पर जो मीडिया प्रेस के बारे में बात करता है, तो आप लोग ये बताइए। ठीक है ना, तो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में कौन सा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलता है, ये आप लोगों को बताना है। आज के दिन में ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं कह रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो जर्नलिज्म है वो सेफ नहीं है, डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में इंडिया की भी अगर आप लोग रैंक देखेंगे, लगभग 6 जर्नलिस्ट हमारी कंट्री में 2006 में मारे, 2018 में मारे गए। हमारी जो रैंक थी यहां पर 140 आ चुकी है 138 से, जो कि पहले 133 हुआ करती थी और इससे पहले 136, यानी कि हमारी रैंक भी यहां पर बेकार होती जा रही है। रीजन क्या है, हिंदुत्व का फंडा लेकर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन यहां पर आगे खड़ी हुई हैं, एंटी नेशनलिज्म की बात यहां पर की जाती है, कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को ऐसी देखने को मिलेगी यहां पर, किसी के खिलाफ अगर कोई जर्नलिस्ट कुछ लिखता है तो वहां पर अलग से प्रॉब्लम निकल कर आ जाती है। बाकी जो महिला जर्नलिस्ट हैं वो खासकर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में या मोस्ट अफेक्टेड एरिया में शांति से अपना काम नहीं कर पाते हैं, हाइपर नेशनलिज्म का जो फंडा निकल कर आ रहा है, हाँ बस देश देश चिल्लाते रहते हैं, पर जनता जो देश का एक तरह से देश किससे बनता है, लोगों से मिलता है ना, लोगों के ऊपर तो आप लोगों का ध्यान नहीं है, पर लेकिन देश देश चिल्ला रहे हैं, तो भैया लोगों को शांति से रखिए ना, रिलीजन और कास्ट को साइड में फेंक के जो कंट्री में यहां पर लोग रह रहे हैं उनके ऊपर फोकस दीजिए, तो आप लोग ढंग से चीजों को कर पाएंगे। तो यही बात यहां पर बोली जा रही है, वहां पर आप लोग फोकस दीजिए जो कि ज्यादा जरूरी है। एक्सट्रीम इंटॉलरेंस यहां पर देखने को मिल रहा है जर्नलिज्म के खिलाफ, अगर कोई
कुछ बोल भी देता है यहां पर तो उसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया जाता है। कई सारे ऐसे अभी केस आप लोगों को देखने को मिले, कोई जर्नलिस्ट है उसको देशद्रोह का चार्ज लगा के अंदर डाल दिया जाता है। इसी के साथ में इवन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसने तो अपने एरिया में वहां पर जो प्रीमाइस है यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वहां पर बोल दिया कि जर्नलिस्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक कि वहां पर उनको परमिशन न दी जाए। और इसके चलते जो पीआईबी है, पीआईबी वही पीआईबी जिसकी हमारी मॉर्निंग में आप लोगों नैनो मैगजीन में न्यूज देखते हैं, उसी पीआईबी की जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी एंट्री करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से पीआईबी के जर्नलिस्ट यहां पर बोल रहे थे यार हम तो गवर्नमेंट वाले हैं, कम से कम हमको तो आने दो, हम तो घर के आदमी है। तो ये बात यहां पर बोली गई, यानी कि घर के आदमी को भी यहां पर आने से मना कर दिया। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं एक आइसोलेट करने की जो कंडीशन है ये सही नहीं है। तो जर्नलिज्म को एक जो इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, आज की डेट में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है, एक होस्टाइल इन्वायरमेंट रहता है उनके लिए, कई बार उनकी जान भी चली जाती है। और हमारी कंट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कई बार पर, लेकिन आप लोग ये नहीं पता कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तभी तो होगा जब हम लोग अपनी कंट्री में ढंग से काम कर पाएंगे एक इंडिपेंडेंट तरीके से, यानी कि अपनी मीडिया अगर अच्छी रहेगी तो हमारी अच्छी इमेज जाएगी और ज्यादा यहां पर हमारी कंट्री में ये चीजें बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर बात की जाए वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की जाती है ये रैंकिंग, क्वेश्चन वाली वीडियो में आप लोगों को याद होगा डिटेल में बताया था 10 इंडिकेटर होते हैं जिसके बेस पर ये तैयार की जाती है, वो 10 के 10 इंडिकेटर नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यूपीएससी में 2019 में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया जो कि मैंने आप लोगों को डिस्कस भी कराया था, ठीक है। तो आप लोग वो 10 के 10 इंडिकेटर कौन से हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखने हैं, रिवीजन इसका आप लोगों का एक बार हो जाएगा, एक बार माइंड में थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन से इंडिकेटर जिसके बेस पे ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स की हम लोग बात करते हैं, फिर कल उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। बात यहां पर देखने को मिले रेपुटेशन भी हमारी तभी अच्छी बनेगी अगर हम लोग यहां पर ढंग से इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में तभी आएगा, हमारी रेपुटेशन अच्छी रहेगी, मीडिया हमारे बारे में अच्छा लिखेगी, हमारी कंट्री में ढंग से सारी चीजें चल रही हैं ये बातें बताएगी। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये सारी चीजें होना काफी जरूरी है, तो इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर यूएसए और यहाँ पर तुर्की और रशिया के बारे में है। पहले आप लोग समझ लीजिए मेन जो प्लेयर है वो है तुर्की। तुर्की यहाँ पर आप लोगों के सामने है मैप में, अगर आप लोग इसको पूरे दूसरे मैप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपनी कंट्री कंपनी में। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहाँ से ये आप लोगों को देखने को मिलेगा तुर्की, ठीक है। यहाँ पर तुर्की के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है, तुर्की बिल्कुल रशिया जैसा है, आधा यूरोप में और आधा आप लोगों को एशिया में देखने को मिलेगा। तो तुर्की का ये वाला जो एरिया है यूरोप में है जिसके बेस पर इसको नेटो मेंबर भी बोला जाता है, और ये वाला एरिया इसका एशिया में है। अंकारा इसकी कैपिटल, यहाँ पर ऊपर हो गया ब्लैक सी और नीचे हो गया मेडिटेरेनियन सी। तो ये जो तुर्की है आज की डेट में जो लीडर है यहाँ पर ये तुर्की के, ये आप लोगों के सामने यहाँ पर ये है इरोडगन और यहाँ पर ये है व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, अभी फिलहाल रशिया से इनके द्वारा S-400 सिस्टम खरीदने की बात की गई है, एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया से खरीद रहे हैं, नेटो का मेंबर है जो कि एक तरीके से रशिया के खिलाफ काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूएसए इस वजह से इससे चिढ़ा हुआ है, यूएसए ये बोल रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, पर लेकिन तुर्की सुनने के लिए तैयार यहां पर नहीं है। तो इसीलिए यहां पर अभी काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। अगर पास्ट में आप लोग देखें तुर्की ने F-16 जो रशिया का फाइटर जेट है वो मार गिराया था, क्योंकि सीरिया के अंदर तुर्की के काफी बड़े यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इंटरेस्ट हैं, वो इंटरेस्ट क्या भी बताऊंगा आप लोगों को। आज की डेट में जिसके द्वारा यहां पर ये F-16 प्लेन मार गिराया गया तुर्की के द्वारा रशिया का, उस रशिया ने यहां पर तुर्की के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक समझदार इंसान जो होता है वो बड़े गेम के लिए काम करता है, वो छोटे मोटी चीजों के लिए नहीं लड़ता है। तो आज की डेट में जिसका प्लेन मार गिराया था उसी के साथ में ये खड़ा हुआ है तुर्की और उसी से S-400 सिस्टम खरीद रहा है। इसको बोलते हैं डिप्लोमेसी, यानी कि चाहते तो व्लादिमीर पुतिन क्या कर सकते थे उस टाइम पर, रिटेलिएट कर रिलेशन को बर्बाद कर सकते थे तुर्की के साथ में, पर ऐसा नहीं किया गया और तुर्की के साथ में काम कर आज के में जो नेटो का मेंबर है उसको अपने एरिया में लाकर खड़ा कर लिया। तो ये होता है एक तरीके का डिप्लोमेसी, शानदार तरीके की डिप्लोमेसी आप लोग बोल सकते हैं। तुर्की के साथ में जो रिलेशन आज के में बन पा रहे हैं उसकी वजह से यूएसए और तुर्की के रिलेशन काफी नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, और ये नेटो का मेंबर है और S-400 रशिया से खरीद रहा है। तो यहां पर हिस्टोरिकल चीजें भी हैं। जब यूएसए और तुर्की के रिलेशन की बात करते हैं तो इराक वॉर जो कि 2003 में हुई थी उस टाइम पर अंकारा यानी कि तुर्की ने यहां पर रिफ्यूज कर दिया था अमेरिका के लिए लॉन्च पैड प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि यहां पर वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि यहां पर अटैक किया जा सके इराक के ऊपर, इराक को ढंग से कंट्रोल किया जा सके, तो तुर्की को यूज करना चाहता था, पर तुर्की ने मना कर दिया क्योंकि तुर्की के भी बॉर्डर टच करते हैं इराक के साथ में, तो यहां पर उस टाइम पर मना कर दिया। दूसरा यहां पर जब तुर्की चाहता था यहां पर यूएसए का इंटरफेरेंस रशिया के अंदर में खासकर सपोर्ट करने के लिए, रीजन क्या है, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पर मना कर दिया। और देखिए प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ढंग से आप लोग समझिए। देखिए यहां पर सीरिया के अंदर एक काफी बड़ी फोर्स है जिसको कुर्द फोर्स बोलते हैं, कुर्द कम्युनिटी क्या चाहती है, ये एरिया अपना कुर्दिस्तान बनाना चाहती है। जैसे हम लोगों ने
नैनो मैगजीन में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था ना खालिस्तान वाले के बारे में, ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। तो जो ये कुर्द कम्युनिटी है यहाँ पर कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, तो तुर्की का भी एरिया यहाँ पर लेना चाहते हैं। कोई कंट्री नहीं चाहेगा कि उसका एरिया कट कर चला जाए और कोई वहाँ पर दूसरी कंट्री बन जाए। तो तुर्की हमेशा क्या करती है, तुर्की हमेशा ये चाहती है कि यहाँ पर ये चीज़ें एक्टिविटी न रहे। और यहाँ पर जो कुर्द कम्युनिटी है उसको यूएसए सपोर्ट करता है, और यूएसए सपोर्ट करता है उसकी वजह से यहाँ पर ये क्या करते हैं, यहाँ पर लड़ पा रहे हैं इसके अंदर। और इसीलिए वजह से तुर्की यहाँ पर चिढ़ता है यूएसए से कि आप कुर्द कम्युनिटी को सपोर्ट मत करो, क्योंकि कुर्द कम्युनिटी अगर ज्यादा बढ़ती है तो वो यहां पर कुर्दिस्तान बनाने की मांग करने लगेंगे। इसकी वजह से भी यूएसए और जो यहां पर तुर्की के रिलेशन है वो ज्यादा अच्छे नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग कई सारे एंगल बोल सकते हैं जिसके बेस पर दोनों के रिलेशन अच्छे नहीं है, तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात की जा रही है बिटकॉइन के बारे में, एक तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक तरीके की सिक्योर सिस्टम है जहां पर जो ट्रांजेक्शन होता है बिटकॉइन की अगर हम लोग बात करें, ये एक तरीके का एक नया ही सिस्टम बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। एक तरीके से यहाँ पर हमारी कंट्री में एक लॉ लाया जा रहा है जिसको बोला जा रहा है बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी 2019। यानी कि ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लेकर आ सकते हैं और उसी के साथ में क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाएगा, और अगर कोई इसको यूज करता है तो 10 साल तक का यहाँ पर इंप्रिजनमेंट जेल हो सकती है, और इसी के साथ में कोई भी यहाँ पर सेल करता हुआ इसके साथ में डील करता हुआ नहीं पाया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए राइटर की, तो राइटर बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये बोला गया गवर्नमेंट के द्वारा कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि वो मनी जो कि यहाँ पर गलत तरीके से कमाई गई है उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारा आईटी और जो सीबीडीटी यहाँ पर जो ऐसी बॉडी है उनके द्वारा यहाँ पर बोला गया कि ये सही नहीं है, इसको रोकना चाहिए। पर लेकिन राइटर जो बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं इसको थोड़ा सा आप लोग ढंग से लेकर चलिए, इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म आप लोग बना सकते हैं, कैसे इसको यूज करना है उसके ऊपर आप लोग प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं, इस तरीके से लेकर चल सकते हैं, क्योंकि एक नई इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है और एक ऐसे उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं, ना कि इसको ब्लॉक करना, ये सही बात है। यानी कि आप लोग प्रॉपर वे में यहां से सारे रिकॉर्ड आप लोगों के पास देखने को मिलेंगे, तो उस रिकॉर्ड को आप लोग हैंडल कर सकते हैं। एक नेटवर्क है यहां पर आप लोगों के सामने जो कि वैलिडेट करेगा सारे ट्रांजैक्शन। तो आप लोग बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि यूरोपियन का एग्जांपल दिया गया है, यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन काउंसिल के द्वारा बोला गया AMLD5, ये एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत यहां पर ये पूरे सिस्टम को टैकल करके चलेंगे, हैंडल करके चलेंगे, और इंडिया भी यहां पर इनसे सीख सकता है। एक तो हो गया चीजों को बैन करना, एक होता है ढंग से यूटिलाइज करना, ठीक है। यानी कि अगर कोई बच्चा है, एक तो हो गया उसको पीट के बैठा देना, एक होता है उसको ढंग से समझाकर सही डायरेक्शन में लगा देना, तो कौन सी बात सही है। तो जैसे यूरोप में 2020 में इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, हम भी इनसे सीख सकते हैं। प्रॉपर केवाईसी कस्टमर का जो जानकारी होती है वो सारी होनी चाहिए, सारे ट्रांजेक्शन क्या क्या होने चाहिए वो हो सकता है, सारा जो एक तरीके से कंट्रोल है यहाँ पर वो प्रॉपर वे में एक तरीके से ये आप लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट रखा जा सकता है, अगर ढंग से इसको आप लोग एक फ्रेमवर्क की तरीके से लेकर चले तो जो भी सस्पिशियस इशू है उनको रिपोर्ट किया जा सकता है और फिर उसके ऊपर एक्शन लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग लेकर चले तो इंडियन गवर्नमेंट को बोला गया कि रीजनेबल अप्रोच लेकर चलो, ये नहीं है कि बस बैन कर दिया। बैन करने वाली क्या बात है, तो बच्चे वाली बात हो गई कि आप लोग किससे बात नहीं करना चाहते उसको ब्लॉक कर दो आप लोग, मतलब ये तो हो गया ना कि बच्चे वाली बात हो गई कि किससे बात नहीं करनी उसको फेसबुक पर ब्लॉक कर दो, उसको आप लोग हर जगह ब्लॉक कर दो। ये एक ऐसे इंसान की टेंडेंसी होती है जो कि एक संकुचित माइंड का इंसान होता है, यानी कि एक तरीके से ऐसा इंसान जो कि एक बड़े उससे नहीं सोचता है दिमाग से, यानी कि किसी के प्रेशर में आके कोई काम करना, ये सारी वहां पर आप लोग एक्टिविटी देखने को मिलेगी। सामने वाले से चिढ़ते हैं तो उसको ब्लॉक कर देना, ये क्या मतलब है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको ब्लॉक कर देना, उस काम को नहीं करना, एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क लेकर चलो यार, इंसानों के तरीके से काम करो, ये बात यहां पर बोली गई है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूज एनालिसिस के बारे में, तो क्या क्या न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है। सबसे पहले बात की जा रही है हाफिज सईद के बारे में, हाफिज सईद को टेरर फाइनेंसिंग केस में यहां पर पकड़ लिया गया है पाकिस्तान के अंदर में, तो ये काफी अच्छी बात बोल सकते हैं। तो एंटी टेररिज्म कोर्ट के द्वारा इनके ऊपर ट्रायल चलाने की बात की जा रही है, तो एक अच्छी बात है। आप लोगों को बताया अभी रिसेंटली इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में भी डाला गया था। आगे बात करते हैं यहां पर हमारी कंट्री में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल यहां पर सेशन में रखने की बात की जा रही है, जो कि रिपील किया गया था, जो कि रिपील करने वाला है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। तो इससे क्या होगा, और ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग अपनी कंट्री मेडिकल एजुकेशन और सेक्टर को टैकल कर पाएंगे एक नए बिल के तौर पर। नेक्स्ट यहां पर सेंटर ने दिल्ली गवर्नमेंट पर लगाम कसते हुए बोला है कि जो चार मेंबर उन्होंने प्राइवेट इंडिविजुअल जो यहां पर दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन जो बोर्ड के अंदर डाले हैं उनको यहां पर हटा देना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफिशियल को यूज करो। यहां पर ये जो डिसीजन लेने का काम करते हैं यहां पर मेन यहीं पर ये बोर्ड काम करता है, तो इसके अंदर ऑफिशियल मेंबर की जगह यहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल यहां पर ऐड किए गए हैं, तो सेंटर यहां पर ये मना कर रहा है ये करने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है केरला के बारे में, तो केरला के बारे में क्या बात की जा रही है, आयरन एज की यहां पर कई सारी चीजें देखने को मिली हैं, जो कि यहां पर मालापुजा डैम यहां पर यहां से पत्थर निकाले गए हैं और उनके ऊपर एनालिसिस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये डैम की भी बात आप लोग याद रखते हैं कहां पर है, ये केरला के अंदर है। नेक्स्ट बात की जा रही है डैम सेफ्टी के बारे में, डैम सेफ्टी बिल 2019 पार्लियामेंट में रखने की बात की जा रही है, ये बात की गई है
क्लियर किया गया यहाँ पर, जो हमारी कंट्री में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है जो कि यहाँ पर ये इस तरीके की चीजों में क्लियरेंस देती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर उनके द्वारा बोला गया है कि इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर स्मार्ट फार्मर के लिए स्मार्ट फार्मिंग, ठीक है, यानी कि ताकि यहाँ पर प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसके तहत ढंग से इंश्योरेंस कवर किया जाएगा और स्मार्ट फार्मिंग की बात की जा रही है। किसानों की इनकम 2022 तक जो डबल करने की बात की जा रही है उसको लेकर ये लग रहा है कि काफी सीरियस तरीके से यहाँ पर स्टेप उठाने वाले हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर क्या किया है, F-35 ये फाइटर जेट है जो पहले तुर्की खरीदने वाला था तो उसको बोला है कि ये तुर्की को अब नहीं बेचेंगे क्योंकि तुर्की जो है वो S-400 सिस्टम से खरीद रहा है, तो रिलेशन और ज्यादा खराब होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यूएसए ने बैन कर दिया है जो यहाँ पर म्यांमार मिलिट्री के जो लीडर हैं क्योंकि रोहिंग्या कम्युनिटी के रिलेटेड वो इश्यू को रिजोल्व नहीं कर पा रहे हैं और काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कमेटी का नाम याद रखेगा, 3-4 कमेटी हम लोगों ने क्वेश्चन वाली वीडियो में डिस्कस की थी, इस तरीके से कमेटी आप लोगों से पूछी जाती है कई बार। बिमल जालन कमेटी, ये जो कमेटी है यहाँ पर इसने ये बोला था कि जो एक्स्ट्रा मनी होती है आरबीआई के पास में वो क्या गवर्नमेंट को ट्रांसफर करनी चाहिए, तो उसी के लिए ये कमेटी सेटअप की गई थी। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले टाइम में क्या यहाँ पर ये बोलने वाली है। माना यह जा रहा है कि कुछ पैसा यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिजर्व होता है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो देखते हैं कितना इसको हैंडल कैसे किया जाता है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके लिए टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है 30th ऑफ नवंबर 2019। ये 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से हमारी कंट्री में ये सारी टर्म आने वाली है क्योंकि काफी न्यूज़ में है फिलहाल अभी ये 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड होने वाला है 20 से लेकर 25 तक। नेक्स्ट बात करते हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन के बारे में जो आप लोगों से पूछा गया था, डिटेल एनालिसिस केरला के बारे में। केरला जो है यहाँ पर ये इधर टच करता है कर्नाटका को और इधर टच करता है तमिलनाडु को, यानी कि ओनली दो राज्य को टच करता है। केरला का जो गठन किया गया था 1956 में यहाँ पर किया गया था 1 नवंबर को, यहाँ पर ये स्टेट डे सेलिब्रेट करते हैं। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है और टोटल मिलाकर 14 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। बॉडी की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ केरला है, यहाँ पर गवर्नर जो है वो P-87 है। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो पेनी विजयन जो कि काफी न्यूज में भी आप लोग कई बार देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात ये सीपीआई के एमके हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर ये यूनिकैमरल है, 141 यहाँ पर सीट है। ये पार्लियामेंट्री अगर सीट की बात की जाए राज्यसभा की 9 सीटें हैं और लोकसभा की 20 सीटें हैं। केरला का खुद का हाईकोर्ट यहाँ पर कोच्चि में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एरिया के हिसाब से ये 22वें नंबर पर आता है। अगर बात करें यहाँ पर ये इसकी हाइट दी जा रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में कोई याद नहीं रखने की जरूरत। ये पॉपुलेशन की बात की जाए तो 13 नंबर पे हमारी कंट्री में ये आता है। ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम और वैसे एडिशनल लैंग्वेज इंग्लिश। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बात करें तो आप लोग काफी अच्छा देखने को मिलेंगे, 94% लिटरेसी। पढ़ा लिखा राज्य है वो तो आप लोग जानते हैं। सेक्स रेशियो काफी शानदार है, ये काफी बड़ी बात है, यानी कि यहाँ पर लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है जो कि एक काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। केरला गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां से जाकर आप लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एम्बलम की बात करें तो यहाँ पर सील ऑफ केरला ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन एलिफेंट एनिमल है। बर्ड की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल ये यहाँ पर इसका बर्ड है। फिश की बात करें तो यहाँ पर ये है ग्रीन क्रोमाइड, ठीक है, तो ये इसकी फिश है, स्टेट फिश। इंसेक्ट की बात करें तो यहाँ पर ये बात की जा रही है पापिलो बुद्धा, ये इंसेक्ट की बात की जा रही है। फ्लोर की बात करें फूल की, ये है कानिकोना, ठीक है। अगर फ्रूट की बात करें ये फूल था, ये फ्रूट है यहाँ पर, ये है जैक फ्रूट। अगर बात करें ट्री की तो ये है कोकोनट ट्री। तो ये इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अब बात करते हैं आज के क्विज के बारे में जिसका आंसर आप लोगों को देना है। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया बनने वाला है कब से कब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। रिपोर्ट किसके द्वारा बताई गई कि चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गया 2050 में और इंडिया दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पर ये वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। इंडिया की रैंक क्या थी जो रिसेंटली अभी इसमें आई थी ये भी आप लोगों को बताना है। तुर्की के द्वारा यहाँ पर जो अभी रिसेंटली तुर्की के द्वारा 2015 में कौन सा रशिया का फाइटर जेट मार गिराया था जो कि काफी ज्यादा न्यूज में था उस टाइम पर। नेक्स्ट बात की जा रही है क्रिप्टो करेंसी बैन करने के बारे में तो कितने टाइम की सजा देने की बात की जा रही है ये आप लोगों को बताना है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कौन सी यहाँ पर जो बात की जा रही है ये अभी रशिया को बोला कि F-35 ये नहीं बेचेंगे तो कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से न बेचने की बात की जा रही है, आखिर वो क्या है जो यहाँ पर दोनों के बीच में आ रहा है ये आप लोग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे ग्रैंड स्लैम के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ओपन रहता है ये जनवरी में लगभग खेला जाता है हार्ड कोर्ट के ऊपर। फ्रेंच ओपन जो रहता है क्ले कोर्ट के ऊपर खेला जाता है ये मई और जून में आप लोगों को देखने को मिलेगा। विंबलडन जो कि अभी जुलाई में आप लोगों को देखने को मिला ग्रास कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। यूएस ओपन अभी अगस्त में स्टार्ट और सितंबर तक चलेगा ये हार्ड कोर्ट के ऊपर, ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। ओके आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे लास्ट वीडियो में, इनका आंसर आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले जो बात की गई थी यहां पर चाइना में जो अभी सबसे ज्यादा जो लो ग्रोथ देखने को मिला 27 साल में सबसे लो है। कार्बन यहां पर ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से यहां पर बोला गया था कि आने वाले टाइम में इंडिया सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से बात की गई थी कि हमारी कंट्री में अगर देखा जाए 30% अगर बात करें जो मेन की वो यहां पर खासकर ओवरवेट नजर आते हैं दिल्ली के अंदर में। रीजन बोला गया था कार वगैरह ज्यादा यूज की जाती है। नेक्स्ट बात की जाती जो हमारी
कंट्री में ऑटोमोबाइल मार्केट है वो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी मार्केट है। कुसुम योजना के बारे में बात की थी तो 34,000 करोड़ यहाँ पर देने की बात की गई थी, कैसे इफिशियंटली यहाँ पर इरीगेशन और एनर्जी को यूज कर सकते हैं, ये था यहाँ पर बेसिक फंडा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई थी इसके बारे में तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो ये मिनिस्ट्री है ये कुसुम स्कीम को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के द्वारा बोला गया था कि हेल्थ को अच्छे लेवल पर ले जाना है 2030 तक, तो ये याद रख सकते हैं। तो ये था डिस्कशन, बाकी आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। पीडीएफ यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ में यहां पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें और शेयर की जाती है यहां पर जो कि आप लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए यार, आपका भी भला होगा और दूसरे का भी। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में और हां शेयर जरूर करिएगा ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचाई जा सके। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें, तब तक के लिए जय हिंद।